श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। रात्रि के समय स्मशानों में आप लोगों को देखेंगे कि वो घूमते रहते हैं, भूत देखने, प्रेत देखने, अघोरियों को देखने। ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं। पहली बार जब मिला था तो मुझे लगा पागल है। उसे ऐसा विश्वास था कि वो बहुत बड़ा अघोरी है, गृहस्थ था। पहली बार मिलते के साथ उसने बताया कि बहुत परेशानी में था। आके स्मशान में बैठा, अचानक चिता से कुछ मांस गिरा और उसे समझ में आ गया कि महाकाल ने उसे प्रसाद दिया है। वो उस प्रसाद को ग्रहण खा के अपने आप को उसने अघोरी घोषित कर लिया। और भी बहुत सारी उसके साथ घटनाएं हुई। उसने बताया उसने मारण किया और व्यक्ति मर गया। ये सब कथा सुन के मुझे लग रहा था कि इसको गुरु की आवश्यकता है, ये दिग्भ्रमित है कोइंसिडेंसेस को लेके। मैंने उसको बोला तुम्हें एक गुरु चाहिए, अघोर में गुरु का बड़ा महत्व है। और वो लग गया गुरु की खोज में, क्योंकि वो बड़ा सीरियस साधक था। मैंने जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा सीरियस था। एक दिन वो मुझे मिला, फिर दीपावली या होली का हवन कर रहा था मैं। वो आया, बोला मैं भी आपके साथ हवन करूँगा। हवन कर लिया हमने। उसके बाद वो बैठ गया वहाँ पे, अपना बाल खोल के घुमाने लगा। मैंने बोला ये सब नहीं होता मेरे हवन में। तो नहीं आज मैं आपको दिखाऊंगा मारन कैसे होता। मैंने बोला मत करो, तुम्हारे पास गुरु नहीं। उसने बोला नहीं, अब मेरे पास गुरु है और गुरु के हिसाब से ही मैं अब कार्य कर रहा हूँ। तो फिर उसने कथा बताया कि कैसे उसको गुरु की प्राप्ति हुई। तो उसने बताया कि उसकी चाची का देहांत हुआ था और उसे एक दो मंत्र आते थे। तो वो बैठ के जब सब चले गए तो चिता में आहुतियाँ दे रहा था। ये देखकर एक अघोरी उसके पास आया और उसने बोला कि ये जो तुम कर रहे हो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं तुम्हें एक विधान बताता हूँ, तुम उसको करो। तो इसने बोला कि मैं महाकाल का बेटा हूँ, मुझे सीधा प्रसाद मिला है, तुम क्या हो? उसने बोला मैं दिखाता हूँ मैं क्या हूँ। और उसने एक कपाल किसी का वहाँ पे जो पहले कोई जला होगा उसका, वो कपाल उसने उठाया, उसमें कांटी से उसने छेद किया और फिर उस कपाल को अभिमंत्रित किया और इस लड़के को दिया कि तुम इस कपाल से स्मशान को देखो। जब उस लड़के ने स्मशान को देखा उस कपाल के छेद से, तो उसे आत्माएं, प्रेत और अलग अलग प्रकार की चीज़ें दिखने लगी। वो नतमस्तक हो गया और बोल दिया कि अब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई है, आप ही मुझे तंत्र और अघोर सिखाओगे। ये कहानी उसने बताया। तब तक उसने मोबाइल भी ले लिया था, तो उसके बाद संपर्क में भी रहता था। एक बार वो कहीं से सिद्ध होकर के आया उसके हिसाब से, और उसने फिर मुझे बताया कि मैंने तो बहुत ज़बरदस्त सिद्धि प्राप्त की है। मैंने बोला क्या किया? तो बोला कि गुरु एक गांव लेकर के गए थे, वहाँ पर किसी को दफनाया गया था। तो रात में उन्होंने बोला कि उसको कोड़ के और उसका हाथ लेते आना, और मैं ले भी आया। उसके बाद एक साधना बताई जिसके बाद मुझे बहुत सारी अनुभूति हुई और अब मैं कर्णपिशाचिनी साधना कर रहा हूँ। मुझे थोड़ी हैरत हुई कि एक नया साधक जिसको गुरु ने अभी तुरंत शिक्षा देना शुरू किया, दीक्षा भी नहीं, सिर्फ शिक्षा देना शुरू किया है। उसको कर्णपिशाचिनी की साधना कैसे दे दी, लेकिन उसने बताया जो विधान कुछ त्रुटियों के साथ वो विधान सही था। तो मैंने उसको आगाह किया कि देखो कर्णपिशाचिनी की साधना गृहस्थों के लिए सही नहीं होती है और इसको करोगे तो तुम पागल होके मारे जाओगे। तो उसने मुझे बताया कि आपको मेरी कहानी नहीं पता है। मैंने बोला मुझे पता है कि तुम श्मशान आए थे और तुम्हें महाकाल ने प्रसाद दिया था। नहीं, उसके पहले की कहानी, मतलब क्या कहानी थी? तो उसकी कहानी ये थी कि उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया था और उस पर डोमेस्टिक वायलेंस और अन्य अन्य प्रकार के केस लगाए थे और ये उससे काफ़ी प्रेम करता था, काफ़ी टूट गया था, इसीलिए श्मशान आया था। तो कहने का तात्पर्य ये था कि वो गृहस्थ नहीं रहा है, इसीलिए वो साधना कर सकता है। मैंने फिर भी उसको आगाह किया कि बहुत सारी अच्छी साधनाएं होती हैं जो भूत भविष्य वर्तमान बताती हैं, उन साधनाओं को आप करो। उसने साधना शुरू कर दी। अगले अमावस्या फिर मिला। मैंने पूछा क्या हुआ आपका? कर्णपिशाचिनी दिखी? तो उसने अपना हाथ दिखाया और माला खींच खींच करके उसकी उंगली में घाव हो रखा था। तो मैंने बोला कि साबर मंत्र विद्या में इतने माला तो खींचते नहीं और माला खींचते भी नहीं है, तो ये कौन सी माला आप खींच रहे थे कि आपके हाथ में इतना बड़ा घाव हो गया? बोला अभी उंगली में घाव हो गया है, गुरुजी ने बताया है कि कर्णपिशाचिनी आ चुकी है और उसने भोग लिया है, तो हो सकता है ये उंगली ना रहे मेरा। अच्छा, मैंने बोला ऐसा होता नहीं है। एक दिन फिर फ़ोन आया उसका बीच में कि गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं। हमने बुलाया तो उंगलियों की माला पहन करके एक व्यक्ति हमसे मिलने आया। उसने मुझे बोला कि ये हमारे गुरु परंपरा में है, आप मेरे शिष्य को दिग्भ्रमित ना करें। मैंने बोला मैं दिग्भ्रमित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी जानकारी से बता रहा हूँ कि आपने जो क्रिया बताई है उस हिसाब से तो कर्णपिशाचिनी नहीं होती। तो उसने बोला हमारा विद्या अलग है। मैंने छोड़ दिया। साथ में वो लड़का भी था और वो बड़ा अजीब, मतलब एक चेहरे की चमक जाना, एक चेहरे में कालापन आना, वो उसमें दिख रहा था। मैंने उसके गुरु को बोला ये तो खुद अभी बीमार दिख रहा है, तो पिशाच है तो भोग तो लेगा। मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला ठीक है, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। उसकी माँ थी बेचारी, वो हम लोगों को जानती थी क्योंकि छोटा शहर था। तो वो किसी के माध्यम से एक दिन हमारे स्थान पर आई और बोला कि उसकी हालत बहुत ख़राब है और वो पागल हो गया है। पहले एक उंगली उसकी गई थी, अभी दूसरी उंगली में भी सूजन है और दिन भर बड़बड़ाते रहता है। हम समझ गए कि कहाँ क्या मामला फंस रहा है इनका। दो लोग हम लोग गए उनके पास। हमारे साथ जो व्यक्ति थे वो बंधन खोल करके देखते थे, मैं जल्दी बंधन नहीं खोलता हूँ। तो उन्होंने बताया कि कर्णपिशाचिनी इनके गर्दन पर सवार है और निरंतर कुछ ना कुछ बोल रही है तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में, इसके बारे में, इसके जीवन के बारे में, सच झूठ बस बोल रही है और ये उसको जवाब दे रहा है और लोगों को लग रहा है कि ये पागल हो गया, लेकिन ये पागल नहीं हुआ, ये सुन रहा है उसकी बातों को। बहुत आश्चर्य का विषय था कि जब उसके पास विधान गलत था तो ये कर्णपिशाचिनी सिद्ध कैसे हो गई, सिद्ध होकर इस पे सवार कैसे हो गई, और अगर सवार हो गई तो ये संभाल क्यों नहीं पा रहा है। बहुत दयनीय स्थिति थी। वो ना खाता था ना पीता था, मलमूत्र का त्याग जहाँ बैठता वहीं करता। तो खैर ये तो लक्षण होता है कि साफ सुथरा नहीं रह सकता है जो पिशाच को धारण करता है। उसकी माँ का कहना था कि रात में रोता है, जोर जोर से रोता है, जब चित्कार मारता है तो लगता है औरत चित्कार मार रही है, वो नहीं मार रहा। अपने रिसर्च काल में मैंने ये समझा था कि पोजेशन ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ये व्यक्ति थोड़ा आम पोजेशन के केसेस से अलग लग रहा था मुझे। अब मुझे ऐसा लगा कि ये कर्णपिशाचिनी नहीं, इसको किसी भूत या प्रेत का बाधा हुआ है, इसने फिर जाकर किसी चिता के साथ छेड़छाड़ किया होगा और वो सवारी इस पे आ गई है। लेकिन ऐसा था नहीं, उस पर कर्णपिशाचिनी थी। कुछ टेस्ट होता है कर्णपिशाचिनी का, कुछ सवाल पूछे जाते हैं, अगर सही जवाब दे दिया तो वो कर्णपिशाचिनी होती है। उसको हम लोगों ने ठीक करना शुरू किया। पूर्ण रूप से कोई तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक उसकी खुद की इच्छा ना हो कि वो ठीक हो जाए, और वो इच्छा होने के लिए इंसान को अपने दिमाग से काम लेना होता है। और जब आपके ऊपर सवारी हो पिशाच की तो आप अपने दिमाग से सोच नहीं सकते। तो भैरव बाबा की कृपा से काफ़ी बंधन हुआ, तो वो थोड़ा सबल हुआ। कभी कभी वो अचानक से झोंक में होश में आ जाता था, तो उससे हमने पूछा कि तुम इतने जल्दी तुमने सिद्धि कैसे की और क्या हुआ जब सिद्धि हुआ। तो उसने बताया कि उसके गुरु ने उसको एक रुई में कुछ लपेट के दिया था, जिसको उसको कान पे रखना था साधना करते समय। और सत्य ये था कि दूसरे दिन ही कर्णपिशाचिनी प्रकट हो गई थी। पूरी साधना करने की इसको आवश्यकता नहीं हुई थी और उसने काफ़ी कुछ इसको बताया भी था। लेकिन जैसे वो कर्णपिशाचिनी आई थी तो काफ़ी उससे रुष्ट हो गई थी और इसको पीटा था, जैसे इसको देख के काफ़ी नाराज़ हो। बात समझ में नहीं आई। उसका वो सामग्री हम लोगों ने ले लिया, उस पर बंधन किया और फिर किसी और साधक को दिया गया, क्योंकि कर्णपिशाचिनी जो मसानी होते हैं वही उसको ठीक कर सकते हैं। मामला ये समझ में आया अंतोगत्वा कि इस लड़के को कभी कर्णपिशाचिनी की सिद्धि थी ही नहीं। कर्णपिशाचिनी की सिद्धि उस अघोरी को थी जिससे यह स्मशान में मिला था। किसी भी शक्ति को रखने के लिए उसको भोग देना पड़ता है और ये एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है। और जो ज़्यादा शक्तियाँ रखते हैं वो सारी शक्तियों को अपने पास ना रखकर वो किसी किसी को दे देते हैं, ताकि वो अपना समझ करके उसको भोग देता रहे। ये जिस कर्णपिशाचिनी को अपना समझ रहा था वो असल में उस अघोरी का कर्णपिशाचिनी सिद्ध किया हुआ था, और वो भोग अब इस बालक से ले रही थी और इसको लग रहा था कि इसकी कर्णपिशाचिनी है। उसको फिर से बंधन किया गया और फिर उसको भस्म कर दिया गया। भस्म कर दिया गया या फिर ऐसा बोला जाता है, या उसको वापस भेज दिया गया, ऐसा सामने वाले अघोरी ने किया। ये सबके साथ होता है। आपके घर कोई तांत्रिक अघोरी आए और बोल दे कि आपके घर में प्रेत बाधा है, उनको एक स्थान दे दो, उनको रोज भोग देना, आप तुरंत तैयार हो जाते हो कि चलो अच्छा है कि जो दिक्कत है वो कम हो जाएगी, रोज भोग देंगे। इसमें होता ऐसा है कि जो सिद्ध औघड़ तांत्रिक अघोरी होंगे वो अपनी शक्तियों को आपके घर पर स्थापित कर देते हैं और उसके बाद आप आजीवन उनकी शक्तियों को भोग देते हैं और वो उन शक्तियों से अपना काम निकालते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ये तांत्रिक काफ़ी ह्यूमनिस्टिक ग्राउंड पे अपने शक्तियों को बांध के रखते हैं। वो सोचते हैं कि उनका जो क्लाइंट है वो इससे अफेक्टेड ना हो, बस सेवा होती रहे। लेकिन कई बार ऐसे भी तांत्रिक होते हैं जो तुम्हें और परेशान करने के लिए शक्तियों को आपके यहाँ बांध देते हैं। तो इन सब चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है, जिसका नंबर है 9431188585। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantrahasya.xyz इस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें rudranath@cm4 सर्च करिए, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती आप लोगों को सुरक्षित रखे। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।